नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूँ मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम होगा मैट्रिसेस। तो आज हम लोग मैट्रिसेस को कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक होगा सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो पहले डिफिनेशन देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो इसका डिफिनेशन होगा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। हम लोग ट्रांसपोज के बारे में पढ़े थे कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, उसी को ट्रांसपोज कहते हैं। रो कहाँ चला जाता है? कॉलम में, और कॉलम आ जाता है रो में, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज। तो यदि ए का ट्रांसपोज करें और क्या आ जाए, फिर ये आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ये जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स माना कि 2 5 और 5 6, एक मैट्रिक्स है ना, ये 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है। यदि इसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो रो को कॉलम बना देंगे। ये देख रहे हैं आप, रो में है तो यहाँ इसमें जो होगा वो हो जाएगा कॉलम में। देखिए ऐसे 2 5, ये देखिए यहाँ अभी रो में था तो हम लोग यहाँ इसको कॉलम में बना लिए। ये देखिए 5 6 अभी रो में है तो यहाँ कॉलम में बना लेंगे, तो इसको ट्रांसपोज कर दिए। तो ट्रांसपोज करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू फिर ए आ गया, तो ये एक मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ये कहलाएगा, तो ई जग क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ई जग सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका कहलाएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये रो, इसका ये रो और ये कॉलम का एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों सेम होगा तभी हो पाएगा 2 by 2 में। तो इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो फिर वही घूम के आएगा। तो 2 by 2 के लिए कंसेप्ट है इसका रो और ये कॉलम सेम होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरा कहला जाएगा। ये ट्रिक है पहचानने का। आइए 3 by 3 ऑर्डर का एक हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स, 3 by 3 ऑर्डर का। तो माना कि एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं बी, और बी का हम लोग भी ले लेते हैं 2 3 5। यहाँ भी हम लोग 3 5 ले लिए, और इस जगह सेम लेना होगा 6 6, और यहाँ 1 2 ले लिए। तो एक मैट्रिक्स है 2 बी, और ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं कि बी का ट्रांसपोज यदि करते हैं तो क्या होगा। तो बी का ट्रांसपोज करके देखते हैं, तो रो को हम लोग, ये रो है ना 2 3 5, उसको हम लोग कॉलम में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 5। ये देख रहे हैं ना 3 1 6 रो में है, उसको कॉलम में ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 6, और ये 5 6 2 जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा 5 6 2। तो हम देखें कि बी का ट्रांसपोज, देखिए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको हम लोग बी ही लिख सकते हैं ना, बी लिख सकते हैं। तो बी का ट्रांसपोज किए तो बी आ गया, तो बी इज अ कौन मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग पहचानने का क्या रूल है, इसका रूल क्या, कैसे समझेंगे? तो इसका देखिए रो और ये कॉलम सेम है ना, 2 3 5 और 2 3 5। साथ ही साथ देखेंगे ये वाला, ये सेम होना चाहिए 6 और 6, ये कुछ भी होगा चल पड़ेगा, बट ये दोनों सेम होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह का यदि मैट्रिक्स देखेंगे कहीं तो हम लोग देख लेंगे, बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका रो और ये कॉलम सेम और ये दोनों एलिमेंट्स भी सेम हो, यहाँ कुछ भी होगा चलेगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यदि बी को ट्रांसपोज करें फिर बी आ जाए, ए को ट्रांसपोज करें फिर ए आ जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कौन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो आप लोग समझ गए होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में।
दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये देखेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। ए को ट्रांसपोज करें तो घूम के माइनस ए आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रिमार्क्स, इसमें ध्यान रखिएगा, इसको पहचानने का तरीका है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक इज जीरो। हमेशा इसका डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है ये। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि ए इज इक्वल टू ऐसे लेंगे कि 0, 4, -4 और 0। एक मैट्रिक्स ले लिए 2x2 का। हाँ, अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बना देते हैं। तो ये देखिए 0, 4 क्या है, रो में है, तो इसको कॉलम में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 और 4 हो जाएगा। ये -4 जो देखिए रो में है, इसको यहाँ ला के कॉलम में बैठाइए तो -4 और 0 हो जाएगा। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो 0 में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0। ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और फिर आप यहाँ देखेंगे कि 4 माइनस कॉमन ले रहे थे, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। और 0 में कोई माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया, आप इसको क्या कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का माइनस दे दिए, और ये वैल्यू है किसका, ए का। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए। तब यह मैट्रिक्स जो कहलाएगा वह कहलाएगा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसका पहचानने का जो तरीका हम लोग देखेंगे कि डायगोनल में हमेशा क्या देखेंगे, 0 देखेंगे, डायगोनल हमेशा 0 होगा, और जो एलिमेंट वह यहाँ होगा वही एलिमेंट यहाँ भी होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, किसका होगा, साइन का डिफरेंस होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए जो कहलाएगा वह कहलाएगा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये 2 ऑर्डर का देखे हम लोग, क्यों ना देख लें 3x3 का साथ ही साथ। तो हाँ, आइए देखते हैं 3x3 का क्या रूल होगा, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो 3x3 के लिए क्या करना है, इसका एक उदाहरण दे देते हैं तो समझ में आ जाएगा। बी इज इक्वल टू, माना कि एक मैट्रिक्स लेते हैं और 3x3 का लेंगे। 3x3 का इसका रूल क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0। हाँ, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0। आप जो यहाँ लेंगे, माना कि ई और एफ लिए, तो वही यहाँ भी आपको लेना होगा, माइनस ई और माइनस एफ, मतलब साइन को चेंज करके ई एफ, लेकिन यहाँ प्लस में, तो यहाँ क्या ले लिए, माइनस में। साथ ही साथ आप जो यहाँ लेंगे, यहाँ भी दोनों का एलिमेंट सेम होगा, लेकिन दोनों एलिमेंट सेम होगा, लेकिन एक जगह प्लस तो एक जगह क्या होगा, माइनस। तो यही रूल है इसका, जो रो में लेंगे वही कॉलम में लेंगे, लेकिन साइन डिफरेंट होगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ सेम एलिमेंट होगा तो यदि ऊपर में प्लस तो नीचे में क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हो गया हमारा तो आइए इसको देखते हैं करके। बी का यदि हम ट्रांसपोज करते हैं, तो बी का ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये देखिए रो है ना, रो को कॉलम में बना लेंगे, ये रो है तो यहाँ हम लोग कॉलम बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 ई एफ है ना, और ये जो रो है यहाँ बन जाएगा कॉलम, माइनस ई 0 और g, और ये देखिए रो वो यहाँ आके कॉलम में बन जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एफ माइनस जी और 0। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉमन निकालने का प्रयास करते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो 0 में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये ई है ना, ई प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 0, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज हो जाएगा चूंकि हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये माइनस एफ माइनस जी और 0।
आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है क्या, देख लीजिए मिला करके आप, एकदम सेम है तो हम ये बोल सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, इसलिए बी जो होगा वह होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप समझ गए होंगे इसको, आप निश्चित रूप से यदि समझ गए होंगे तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी आप शेयर कर सकते हैं। आइए कुछ देखते हैं रिजल्ट्स, सम रिजल्ट्स ऑन सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कुछ रिजल्ट देखेंगे हम लोग किससे रिलेटेड, सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पर। तो क्या कहता है कि द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यदि जोड़ देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आइए एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि दो टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं। टू सिमेट्रिक, अभी हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने सीख गए थे, टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ले लेते हैं। कौन कौन, ए एंड बी, ए और बी दो ठो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं टू ऑर्डर का, है ना। इसका रूल ये था कि आप यहाँ जो लिखेंगे ये रो जो होगा वही कॉलम होगा, बाकी आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पक्का, इसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो फिर वही आ जाएगा घूम के। टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए एंड अजर बी ले लीजिए। बी के लिए हम लोग ले लेते हैं आप 4 5, तो स्पष्ट है ये 4 5 तो ये भी 4 5। हाँ यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं 3। दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ए और बी, अब इसको जोड़ देते हैं ए प्लस बी, देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने का नियम, ये रो और ये कॉलम बराबर हो, सेम हो। हाँ तो आइए देख लेते हैं जोड़ करके, ए प्लस बी, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। बोलिए ए प्लस बी जो होगा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए क्यों, इसका रो और इसका कॉलम सेम हो गया ना, तो ये ए प्लस बी इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग देखे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ दिए तो जो उसका सम आया ना वो भी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। तो ए प्लस बी इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या सीखे अभी कि द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यदि जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है कि द सम ऑफ टू एस्क्यू सिमेट्रिक, दो ठो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस यदि हम लोग ले लेते हैं तो उसका भी सम जो होगा वह भी एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कहता है द सम ऑफ टू एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यदि जोड़ेंगे तो उसका सम भी एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करें। इसमें हम लोग बोले थे कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और आप जो यहाँ लीजिएगा वही एलिमेंट यहाँ लेना है, लेकिन साइन क्या होगा, चेंज होगा। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बी बी को भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे, इसका भी और ये देखिए डायगोनल क्या होना चाहिए, 0। आप जो यहाँ लेंगे एलिमेंट वही यहाँ आना चाहिए, लेकिन शर्त क्या है कि यदि यहाँ प्लस में लिए हैं तो यहाँ आपको क्या लेना होगा, माइनस में। ये दोनों ही मैट्रिसेस जो हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी जो है सो बी टू एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये दो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, दो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो जोड़ के देखते हैं कि क्या वो एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखते हैं जोड़ करके, ए प्लस बी, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, -4 और -5 इज इक्वल टू -9, 0 प्लस 0 बराबर 0। तो हम देखे कि देखिए सही में ये डायगोनल, ये देखिए डायगोनल 0 हो गया, ये जो यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है, लेकिन साइन भी चेंज हो गया। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं
कि यह भी जो है ए प्लस बी इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ए प्लस बी जो होगा वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा, ये निश्चित समझ लें। तो हम लोग अभी क्या समझने का प्रयास किए कि द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका सम भी जो होगा वह भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक का को कैसे पहचानते हैं, ये देखे थे कि डायगोनल जीरो होना चाहिए, यहाँ यहाँ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए बट साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो है तो सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब यदि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई एक से ए, उसमें कुछ अंक से कोई अंक से गुना कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, एकदम गारंटेड है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक स्क्यू सिमेट्रिक लेना है, कौन लेना है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक लेने का नियम है कि आप डायगोनल जीरो लेंगे और आप यहाँ जो लेंगे वही यहाँ भी लेंगे लेकिन साइन को चेंज करके, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ, अब इसमें कोई अंक से गुना कर देते हैं के ए, दैट हम के जगह ले लेते हैं यदि टू ए, तो टू से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो फाइव माइनस फाइव और जीरो, तो इसको जब टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू से जीरो से टू को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, टू फाइव जा टेन, टू माइनस फाइव जा माइनस टेन और ये जीरो। तो बताइए ये भी क्या हो गया, टू ए, टू ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखिए स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल जीरो हो गया और जो एलिमेंट यहाँ है वही यहाँ भी है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, स्क्यू, तो ये भी क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग सीखे कि यदि एक ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको यदि कोई अंक से गुना कर देंगे तो के ये जो होगा वह भी होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इसको भली भांति समझ गए होंगे, कोई भी अंक से आप गुना कर सकते हैं, यहाँ पर के मतलब कोई भी एनी नंबर, तो आप किसी नंबर से गुना कर देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तो जो रिजल्ट आएगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। नेक्स्ट है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ये विथ रियल एंट्रीज, तो आपका ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर देंगे तो भी वो क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एनी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए जिसमें रियल एंट्रीज हो, तो ये और उसका ट्रांसपोज यदि आप कर दीजिएगा तो वो भी आपका क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इस पर एक एग्जांपल। माना कि ये बराबर कोई भी एक लेना है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, टू थ्री फोर फाइव। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू थ्री, ये देखिए रो का कॉलम बना लिए, फोर फाइव यहाँ रो है तो यहाँ हम कॉलम बना लिए। हाँ, तो ये और ये का उसी का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, बोले ये कितना है टू थ्री फोर फाइव और ट्रांसपोज ऑफ ए इसी का लाए हैं टू फोर थ्री फाइव। अब आप हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं क्या होता है कि टू और टू फोर, फोर थ्री सेवन, फोर थ्री सेवन और फाइव फाइव टेन। तो देखिए ये सिमेट्रिक हो गया, क्यों, इसका रो और इसका कॉलम क्या है, सेम है, तो हो गया। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होगा इज होगा इज सिमेट्रिक होगा। तो इसको हम लोग समझ गए। अब आइए इसको देख लेते हैं, ये माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो भी वो सिमेट्रिक, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ऊपर वाला एग्जांपल से इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या लिए हैं हम लोग, ये हम लोग लिए हैं ऊपर वाले एग्जांपल में लिए हैं टू थ्री फोर फाइव, है ना, टू थ्री फोर फाइव।
और ए का ट्रांसपोज यदि हम लोग इसका कर लेते हैं तो हो जाता है 2, 3, 4, 5। हाँ, और ये माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो एसक्यू सिमेट्रिक होगा, ये तय है। आइए देख लेते हैं करके। ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये कितना है 2, 3, 4, 5 माइनस ए का ट्रांसपोज है 2, 4, 3, 5। अब इसको हम लोग घटा लें तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 5 बराबर 0। देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 आ गया, ये भी एलिमेंट सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो यह क्या हो गया आपका, हो गया एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी हम लोग क्या सीखे कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये माइनस ए का ट्रांसपोज यदि कर दें, वही स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करके यदि घटा दें तो जो रिजल्ट आएगा वह होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एक्सप्रेसिबल, आप उसको दर्शा सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये है ना, आप उसको दो भाग में दर्शा सकते हैं, एक भाग होगा सिमेट्रिक और दूसरा होगा एसक्यू सिमेट्रिक। तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2